देखिए 2023 अब चल रहा है और काफी सारे YouTube ने अपने प्लेटफॉर्म पर अपडेट कर दिए हैं और बहुत सारे अपडेट किए हैं, एक दो नहीं किए। आज की डेट में अगर बात करें तो हर यूट्यूबर को यह जानना बहुत जरूरी है कि आप जब अपना चैनल बनाएंगे तो आपको कितने सब्सक्राइबर होने पर कौन कौन सी फैसिलिटी यूट्यूब की तरफ से फ्री में मिलेगी, क्योंकि पहले भी मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी आज से एक दो साल पहले, लेकिन जब बात कुछ और थी और अब बहुत सारे अपडेट्स आ गए तो जितने भी नए अपडेट्स हैं उनको शामिल करके वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको पता चले कि आपको कब कब क्या क्या यूट्यूब की तरफ से फ्री मिलेगा ताकि आप उसका सही यूज कर सके अपने चैनल के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत से, जीरो सब्सक्राइबर से, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं चैनल तो आपके पास जीरो सब्सक्राइबर होते हैं। तो जीरो सब्सक्राइबर पर क्या क्या मिलता है, तो देखिए सबसे पहली बात तो जब आपके जीरो सब्सक्राइबर है, आपने अपना जो है यूट्यूब चैनल बनाया है तो आपको फोन से अपना वेरीफाई करना पड़ेगा यूट्यूब चैनल, क्योंकि फोन से वेरीफाई करने का जो सिस्टम है वो आपको जीरो सब्सक्राइबर पर मिल जाता है चैनल बनाते। जैसे ही आप फोन से वेरीफाई करते हैं आप कुछ एडवांस फीचर पे इनेबल हो जाते हैं। इससे आपको क्या फायदा मिलता है, आप थंबनेल लगा सकते हैं, थंबनेल लगाने का आपको मौका मिल जाता है। इसके अलावा जीरो सब्सक्राइबर पर ही आजकल कम्युनिटी टैब भी मिल रहा है, तो कम्युनिटी टैब भी आपको जीरो सब्सक्राइबर मिल जाएगा। इसके अलावा YouTube का हैंडल मिल जाता है, पहले YouTube का जो URL था कस्टम URL वो 100 सब्सक्राइबर पर मिलता था, लेकिन हैंडल आप स्टार्टिंग में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको हैंडल मिल जाएगा। और एक और आपको फीचर मिलता है वो है @ करके मेंशन का, यानी कि आप जब वीडियो बना रहे हैं तो आप किसी को मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मान लीजिए आप किसी क्रिएटर के लिए वीडियो बना रहे हैं उसके बारे में कोई बात करें तो आप @ करके उसको भी मेंशन कर सकते हैं। ये सारे फीचर आपको जीरो सब्सक्राइबर पर ही मिल जाते हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं और 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचते हैं, जो कि YouTube पर सबसे छोटा और पहला माइलस्टोन होता है। जैसे ही आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तो कुछ क्रिएटर की तो यहाँ पे भैया लाइफ बदल जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको YouTube पार्टनर प्रोग्राम के अंदर एंटर करने का मौका मिलता है। मौका वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे और भी कुछ कंडीशंस है, और कंडीशंस आपको सबको पता है कि 1000 सब्सक्राइबर तो आप कंप्लीट हो गए, लेकिन अगर आप लॉन्ग वीडियो के थ्रू मोनेटाइज कर रहे हैं तो आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिएगा, और शॉर्ट वीडियोस के थ्रू कर रहे हैं तो आपको लास्ट 90 डेज में 10 मिलियन व्यूज चाहिएंगे। लेकिन आपको मौका मिल जाएगा और आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम के अंदर जो है एंटर कर सकते हैं, अपना एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं। इसके अलावा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद आपको ज्यादा कुछ और नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया, सपोज आपने जो 1000 सब्सक्राइबर के बाद मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया वो हो गया, तो आपको यहाँ पे जो मेंबरशिप है ना उसका ऑप्शन भी दे दिया जाएगा। इसका मतलब है ज्वाइन बटन आपको मिल जाएगा और ज्वाइन बटन से आप लोगों से जो है ज्वाइन करवा सकते हैं। इसके अलावा एडसेंस के सारे फीचर आपको दे दिए जाएंगे, जैसे कि सुपर थैंक्स हो गया, लाइव करते हो तो सुपर चैट हो गया, आजकल शॉपिंग का एक फीचर आ गया वो भी आपको दे दिया जाएगा, इवन जो एडवर्टीजमेंट लगाते हो वो भी, जितने भी मतलब एडसेंस के जो मोनेटाइजेशन के जितने भी फीचर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब जो अगला माइलस्टोन है वो है 1,00,000 सब्सक्राइबर का। हालांकि ये बड़ा है, बीच में 50,000 सब्सक्राइबर पे भी कुछ होना चाहिए, बट वो यूट्यूब का कोई सिस्टम नहीं है, आपको सीधा 1,000 सब्सक्राइबर से 1,00,000 सब्सक्राइबर तक जाना पड़ेगा। हालांकि पहले 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद आपको एक स्टोरी बटन दिया जाता था, आज भी दिया जाता है, लेकिन 26 जून 2023 के बाद इस फीचर को खत्म ही कर दिया YouTube ने। 26 जून 2023 के बाद स्टोरी का फीचर ही नहीं रहेगा YouTube पे, तो इसकी तो बात करना बेकार है। तो फिलहाल 1000 सब्सक्राइबर के बाद जो अगला माइलस्टोन है वो सीधा आपका 1,00,000 सब्सक्राइबर होगा। 1,00,000 सब्सक्राइबर जब आपके पास हो जाएंगे तो आपको 3 फीचर मिलेंगे। पहला फीचर तो ये है कि अगर आपका चैनल अच्छा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं सिल्वर प्ले बटन के लिए, और अगर टीम रिव्यू करती है और लगता है कि आप एलिजिबल है तो आपको एक सिल्वर प्ले बटन मिल जाएगा। इसके अलावा आप एक वेरिफिकेशन टिक ले सकते हैं अपने चैनल पे, आपके चैनल पे वेरिफिकेशन टिक मार्क लग जाएगा। और एक और चीज भी मिलती है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते कि आपको यूट्यूब पार्टनर मैनेजर भी मिल सकता है आपके चैनल पे, उसका भी क्राइटेरिया 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना ही है। लेकिन ये जो फीचर है ये इनवाइट ओनली है, इसके लिए आपको कहीं अप्लाई नहीं करना, यूट्यूब को लगेगा तो खुद से आपको मेल भेज के इनवाइट करेंगे और आपको हो सकता है कि ये जो है मैनेजर मिल जाए। अब जरूरी नहीं है कि 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद तुरंत ही मिल जाएगा, क्राइटेरिया 1,00,000 सब्सक्राइबर का, लेकिन कभी भी मिल सकता है। मेरे आई थिंक 6,00,000 सब्सक्राइबर हुए थे तब मुझे मिला था, किसी को 3,00,000 पे मिल जाता, किसी को 1,50,000 पे मिल जाता, किसी को 2,00,000 पे भी, बट क्राइटेरिया 1,00,000 का ही और इनवाइट ओनली है प्रोग्राम। 1,00,000 सब्सक्राइबर के बाद अगला जो माइलस्टोन है वो बहुत फिर लंबा है, हालांकि मेरे हिसाब से 1,00,000 के बाद 5,00,000 पे कुछ होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं है। हालांकि जब मैं सिंगापुर गया था एशिया पैसिफिक का जो एक पीएस होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट एक्सपर्ट समिट, तो भी ये बात हम लोगों ने रखी थी सभी पीज ने, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया गया है। आपको 1 मिलियन का ही सीधा जाना पड़ेगा, 1,00,000 से लेकर सीधा 1 मिलियन।
जब आपको 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आपको गोल्डन बटन जो है मिल सकता है, आप उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। और उसके बाद सीधा 10 मिलियन पे, 5 मिलियन पे कुछ मिले, जब आप 10 मिलियन पे जाएंगे तो आपको डायमंड प्ले बटन मिल जाएगा। और इसके बाद आप जाते जाएंगे उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, आपको इतनी नॉलेज हो ही जाएगी जब आप 10 मिलियन सब्सक्राइबर कर लेंगे। एक फीचर और है, उसके लिए पहले क्राइटेरिया सब्सक्राइबर में था लेकिन अभी कुछ और बदल गया, उसको हम कहते हैं कॉपीराइट मैच टूल। ये आपको अब जब मिलता है गूगल के अनुसार, फिलहाल उन्होंने जो अपडेट दिए कि जब आप किसी को पहली बार कॉपीराइट स्ट्राइक देते हैं तो ही आपको ये मिल जाता है कॉपीराइट मैच टूल। और इसमें आप देख सकते हैं कि भाई कितने लोगों ने आपका कंटेंट कितना परसेंट तक यूज किया है और फिर आप उनको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फीचर है, ये भी आपको मिल जाएगा। बाकी जो ऑडियो लाइब्रेरी वगैरह है जिनसे आप म्यूजिक वगैरह जो कॉपीराइट फ्री ले सकते हैं वो तो आपको 0 सब्सक्राइबर पर ही मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर कब कितने सब्सक्राइबर पर आपको कौन कौन से फीचर मिलते हैं जो आपके काम के, वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें, इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।